जो हमारे साथ नहीं थे, आइए प्लीज शर्माइए मत, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आप रेडी हो जाए। यस सर। और यहाँ पर हमारे साथ को प्रोड्यूसर भी हैं, मलिक सर इज देयर? डायरेक्टर साहब, दिल पिता सर हैं यहाँ पे, आइए वो भी रहे। डायरेक्टर साहब जी आइए। और कौन सी की मैम? यस प्लीज डायरेक्टर सर प्लीज आइए। चूंकि आप प्रकाश झा के साथ रहे हैं, उनके साथ काम सीखा है, और ये फिल्म भी कहीं ना कहीं प्रकाश झा मार्का फिल्मों को की झलक दिखलाती है, लेकिन अगर हम बात करें बैंडेड क्वीन से लेके सोन चिरैया तक, तो इस फिल्म में क्या कुछ अलग है जो सामान्य तौर पर बीहड़ों की फिल्म को से अलग करती है? देखिए मैम, वो सारी फिल्में जो हैं बहुत स्पेशल हैं और बहुत अच्छी फिल्में हैं। मुझे बैंडेड क्वीन हैज ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन, तो इंस्पिरेशन ऐसा है। और बाकी इसमें अलग कैसे है तो आपको देख के पता चलेगा कि हाउ इट्स डिफरेंट, बट वी हैव ट्राइड टू कीप, मतलब आई हैव ट्राइड टू कीप लाइक एज मच ऑनेस्टी एज आई कुड, और एक अपना टेक देने की कोशिश की है। एक आदमी की जो कहानी है जो तीन फेजेस से होते हुए अपने क्लाइमैक्स तक पहुँचती है, तो वो किया है। और हाउ इट्स डिफरेंट दैट यू हैव टू वॉच इट, बिकॉज दोस्त फिल्म आर एब्सोल्युटली अमेजिंग, बिकॉज मैं खुद उनका फैन हूं, मैं उनके लिए बोल नहीं सकता कि पान सिंह तोमर या बाकी फिल्में, बिकॉज दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड दे हैव बीन इंस्पिरेशन। बट या बट एक प्रयास जरूर किया है कि टू डू समथिंग डिफरेंट, ऐड मोर ड्रामा, डू समथिंग इंटरेस्टिंग। जी आपसे भी यही सवाल की, उसमें आई थिंक फिल्म इज मेड विद द कैरेक्टर्स, तो पात्रों के चलते ही ये फिल्म अलग, उनकी अलग कहानी है, हर एक पात्र इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हालांकि स्क्रीन टाइम कम है, लेकिन कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता, सब अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। और ये कहानी उस जिस शख्स की है, ददुआ जिसको बोलते हैं, हालांकि उसकी जीवन की घटनाओं से है, उसमें नहीं है, लेकिन एक अलग उसका व्यक्तित्व है, तो उसके चलते ही कहानी बिल्कुल अलग। इस तरह की कहानियाँ अक्सर सेंसर बोर्ड में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बैंडेड क्वीन में बहुत थोड़ा सा अगर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि फिल्म बहुत उम्दा है, इतने सारे अवार्ड फंक्शन में गई और हमें तो प्राउड हो रहा है, और मुझे लगता है कि मेरे जो और भी दूसरे साथी हैं जो मीडिया में लिखते हैं, उनको इस तरह की फिल्मों को प्रमोट करना चाहिए जिनको जरूरत है और अच्छी फिल्में। लेकिन क्या थोड़ा सा आप बताएंगे कि इनफैक्ट हम लोग भाग्यशाली रहे कि विजुअली कुछ कट नहीं किया, जो था बिल्कुल वैसे ही इंटैक्ट रखा। अब डाकुओं की भाषा है तो डाकुओं की भाषा है, और फिर उधर सेंसर बोर्ड का के नियम है तो सेंसर बोर्ड के नियम है, आप ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि मना नहीं, इससे ज़्यादा बहस नहीं कर सकते। अगर आप बहस कर रहे हैं तो आप ये कीजिए, रिव्यू पैनल में भेजिए फिल्म को, रिव्यू पैनल में नहीं मानते रिव्यू पैनल वाले तो कोर्ट जाइए, मतलब दो ढाई लाख रुपए, हम तो छोटे प्रोड्यूसर थे, हमने कहा सर आपको क्या, आप जो कहेंगे तो कुछ छोटे मोटे चेंज करके। दो महीने लगातार सेंसर बोर्ड के चक्कर लगाए हैं सर, एक बार मुझे भी जाने का मौका मिला, मुझे रोक लिया, बोले यहाँ तानाशाही नहीं चलेगा, रुक जाओ यहाँ मत बोलो, नहीं तो और रगड़ देंगे। तो रोज सवेरे लंच बॉक्स लेके जाते थे, रात को आते थे, और दो महीने सेंसर बोर्ड के चक्कर लगाए हैं, इनका अनुभव बहुत, फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कुछ, ये इनका स्वीटपन है कि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, वो शायद डरते होंगे दोबारा बुला के ना काट दे, नहीं इसलिए नहीं।
Thank you so much, ma'am. Let's call on stage. Very important role. Yeah. Ritam. हाँ, इसमें आपके आपने पहले से सोच के रखा था कि गाने की सिचुएशंस नहीं होगी? गाने की सिचुएशन सर एक्चुअली जब हम उससे वर्क कर रहे थे उसे बनती चली गई और कुछ चार गाने हैं इसके अंदर अपेरेंटली, लेकिन कहीं पर भी मुझे पर्सनली लिप सिंक का कोई जगह नहीं मिली अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हाँ लेकिन सिचुएशन ऐसी रही कि गाना चलता रहा और उसमें सिचुएशन आगे बढ़ती रही वैसा टाइप से जी, हाँ बैकग्राउंड में चलता रहा और वो सिचुएशन ऐसी बन गई जहाँ पे कुछ यू हैव एन एक्शन सीक्वेंस, लेकिन उसको जो है वो तो उससे और बूस्ट मिलेगा तो समथिंग ऑफ दैट अपना नहीं नहीं आई टू सो मच सर थैंक यू सो मच ऑलराइट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने में लेट्स कॉल ऑन स्टेज The distributor of this film, Israz Bhai sir. हमारे मेंटर और मेरे मेंटर हैं इजराज रहे हैं सर का एक बार तालियां हो जाए मेरे सारे शो भी स्पॉन्सर कर रहे हैं साथ ही साथ हम सब के डिस्ट्रीब्यूटर हैं इजराज सर लव यू सर बड़े कूल लग रहे हैं ऑलराइट सर इनको हम ब्रह्मास्त्र बोलते हैं और मुकेश सर जादूगर बोलते हैं हम लोग जब भी बात करेंगे तो जब डिस्कशन होगा कुछ बताएंगे मुकेश सर तो हम इनको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं कि आप आपके पास ब्रह्मास्त्र है आप डरिए मत और मुकेश सर इनको जादूगर बोलते हैं लीजिए सर सर ये मुझे बताइए आपने ये फिल्म देखने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करने का कैसा बेड़ा उठाया क्यों उठाया और इस फिल्म में आपने ऐसा क्या देखा कि चलिए इस फिल्म को करते हैं लेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैसे तो मैं पिछले दो साल में कम से कम 28 फिल्म कर चुका हूँ एक बार जोरदार और 28 फिल्मों में ये शायद सेकंड पिक्चर है जो मुझे दिल से पसंद आई हमारे दोस्त हमारे बड़े भाई अशोक रसोदिया जी अदर मुझे प्रोड्यूसर साहब इनका इतना अचानक फ़ोन आता है सरार भाई कहाँ हो हमने घर पर हूँ घर पर कब तक हो हमने आधा घंटा हो उसके बाद में ऑफिस है फिर ये ऑफिस आए मुकेश जी को और इनको लेके बोले पिक्चर इनकी तानाशाह है ऐसा 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 हमने सोचा पिक्चर दिखा देना एक बार पसंद आएगी तो आगे हाँ बोलूँगा तो फिर हम मुकेश जी के घर पे मैं मेरी वाइफ गए और पहली पिक्चर थी जो हम कब इंटरवल हो गया कब पिक्चर खत्म हो गया हमें पता ही नहीं चला ना हमने नाश्ता किया ना खाना खाया और मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा है इन डिस्ट्रीब्यूशन लाइफ की मैंने चार बार ये पिक्चर देखी मैं बोर नहीं हुआ तो हमने मुकेश जी हम कोशिश करेंगे इस पिक्चर को अच्छे से अच्छा थिएटर लगाएंगे और ख़ासतौर से जो बुंदेलखंड की बैंड है वो हम एक भी थिएटर इंशाल्लाह नहीं छोड़ेंगे उसके लिए हमारे डिस्ट्रीब्यूटर आए मिस्टर भाटिया साहब दिल्ली से हमारे चल के आए मिस्टर आजम सी पी सी आई राजस्थान जो मतलब आदिश चौक से के सब कुछ करता करता है सारे डिस्ट्रीब्यूटर अच्छे हैं और ये फिल्म इंशाल्लाह मुझे होप है बहुत अच्छी जाएगी थैंक यू आइए मिस्टर योगेश रखानी साहब योगेश सर बोल रहे हैं दो मिनट आ जाइए इसी माने द ब्राइट फ्यूचर कम ऑन एक बता दिया योगेश सर के हमारे ब्राइट आउटडोर पॉलिसी के मालिक हमारी हर पिक्चर में हमें कोऑपरेट करते हैं योगेश भाई हर सुपरस्टार की को सपोर्ट करते हैं हमेशा एक बार टेलर प्लीज